हाय गाइस, वेलकम बैक। सो मैं स्टार्ट कर रही हूँ एक दुर्गा पूजा मेकअप सीरीज़ लुक, और आज का वीडियो है षष्ठी के लिए। आई केम अप विद दिस लुक जो बहुत ही वेयरेबल, ग्लैम और सिंपल है। दुर्गा पूजा में पंडाल में जाने के लिए मैं अक्सर लेट हो जाती हूँ, सो दिस इज़ माई क्विक गो टू ग्लैम लुक। इस वीडियो में मैं आपको स्किन केयर, मेकअप और स्टाइलिंग हैक्स भी बताने वाली हूँ। सो इफ़ यू वॉन्ट टू नो हाउ टू अचीव दिस लुक, सो प्लीज़ कीप ऑन वॉचिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद प्रेपिंग आर फेस फर्स्ट विद अ शीट मास्क। शीट मास्क को मैं फ्रिज में 5 to 10 मिनट्स के लिए रख देती हूँ। इससे स्किन को ज़्यादा मॉइस्चर मिलता है और सूद भी करता है और पोर्स को कॉन्ट्रैक्ट भी करता है। इसको हम फेस पे रखेंगे 5 to 10 मिनट्स के लिए। लेट्स मसाज द सीरम इन टू द स्किन। सो स्किन अभी हमारा प्रेप हो गया है और लेट्स बिगिन विद द मेकअप। ये लुक के लिए मैंने सारे प्रोडक्ट्स काफ़ी अफोर्डेबल रखे हैं। सो फाउंडेशन के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी फाउंडेशन एंड आई एम इन द शेड 322। लेट्स पुट अ फ्यू डॉट्स ऑल ओवर द फेस, क्योंकि हमारा फेस अभी बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज्ड हो गया है, तो ये फाउंडेशन ब्लेंड करना बहुत ही ईजी रहेगा। एंड आई जस्ट टेक अ रियल टेक्निक्स एक्सपर्ट फेस ब्रश और मैं ये फाउंडेशन को ब्लेंड कर दूँगी। एंड ऑफकोर्स आई बी नीडिंग अ लिटिल बिट मोर, डोंट फॉरगेट योर नेक, क्योंकि आपका फेस का कलर और नेक का कलर सेम होना चाहिए। कंसीलर के लिए मैं यूज़ करूँगी मेबलिन फिट मी कंसीलर इन द शेड 30 हनी। अंडर आईज और लिड्स पे यूज़ करूँगी एंड यूजिंग अ स्मॉल कंसीलर बफिंग ब्रश आई विल ब्लेंड दिस आउट। इसको थोड़ा सा माउथ के कॉर्नर पे भी यूज़ करूँगी और नोज़ के कॉर्नर्स पे भी और शायद थोड़ा और अंडर आइज पे। फेस को सेट करने के लिए आई यूज़ मेबलिन फिट मी लूज फिनिशिंग पाउडर इन द शेड 25 मीडियम। अंडर आइज को सेट करने के पहले ऑलवेज लुक अप और फिर सेट करिए, इससे आपको क्रीजेस नहीं आएंगे अंडर आइज में। आफ्टर द फेस लेट्स मूव ऑन टू द आई मेकअप। आई मेकअप के लिए मैं यूज़ करी हूँ मेकअप रेवोल्यूशन फॉर्चून फेवर्स द ब्रेव आई शेडो पैलेट, और उसमें से आई बी यूजिंग दिस पर्पलिश ग्रे आई शेडो ऑल ओवर द लिड्स। बिकॉज ये आई शेडो लुक बहुत ही सिंपल है, तो मैं बस एक या दो आई शेडो यूज़ करूँगी। लोअर लैश लाइन के लिए भी मैं सेम आई शेडो यूज़ करूँगी बट ऑन अ पेंसिल ब्रश। क्रीज को थोड़े और अच्छे से ब्लेंड करने के लिए मैं एक फ्लफी ब्रश में आई विल यूज़ दिस डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन शेड को मिक्स करके। आफ्टर द स्मोक्स लेट्स एड सम काजल टू द लैश लाइन एंड द वाटर लाइन। सो फॉर दिस आई एम यूजिंग मेबलिन कॉलोसल काजल इन सुपर ब्लैक। ओके, सो आई हैव जूम्ड यू गाइज इन अ बिट। अब लिक्विड आई लाइनर लगाने के लिए सभी लोग स्ट्रगल करते हैं, सो मैं आपको बताने वाली हूँ एक वेरी ईजी हैक। उसके लिए आपको चाहिए एक क्रेडिट कार्ड या तो एक बिजनेस कार्ड और आपका लिक्विड आई लाइनर। सो ऑल यू नीड टू डू इज ये कार्ड को आपके आईज के एज पे लगा के एंड पॉइंटेड टूवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ योर एंड ऑफ योर आईब्राउ, और फिर आपको एक लाइन करना है। सो ये आपका डायरेक्शन हो गया आईलाइनर के लिए। एंड देन यू हैव टू डू द सेम एट द अदर आई, और उसके बाद आप नॉर्मली आपका आईलाइनर लगा दीजिए। So this is how you will achieve even liner on both the sides. इसके बाद let's curl our lashes and put on some mascara. Lashes curl करते वक्त make sure आपके lashes को 3-4 बार press करें, इससे आपके curls ज़्यादा देर तक curl रहेंगी। For mascara I'll be using Maybelline Lash Sensational. Okay, great. So I got a little mascara smudge here. अगर मेकअप करते वक्त आपके फेस पे मस्कारा का मार्क लग जाए, जैसे मेरे हुआ है, तो तभी आप उसको ना निकालें। लेट इट वेट फॉर 5 मिनट्स
जब तक पूरा ड्राई हो जाए उसके बाद हम निकालेंगे। टू ब्रॉन्ज माई फेस मैं यूज़ करूँगी एले गर्ल प्रो मैट फेस पाउडर इन द शेड चेस्टनट, और ब्रश के लिए मैं यूज़ करूँगी प्रो आर्ट PF 12। सो इसको हम यूज़ करेंगे एट द चीक बोन्स में और चीक बोन्स के थोड़े ऊपर एंड एट द साइड ऑफ द फेस। सो इससे ब्रॉन्ज और कॉन्टो दोनों ही हो जाएगा, और हम सेम ब्रश से नोज़ को भी कॉन्टो कर लेंगे। अब हमारा ये मस्कारा मार्क सूख गया है, सो विद जस्ट अ टॉवल आई विल वाइप इट आउट एंड विद अ लिटिल बिट मोर लूज पाउडर आई विल जस्ट फिक्स दैट एरिया। ब्लश एंड हाईलाइट के लिए मैं यूज़ करूँगी मेकअप रेवोल्यूशन गोल्डन शुगर 2 पैलेट, उसमें से आई विल बी मिक्सिंग द लाइट ब्राउन एंड द कोरल शेड। बिकॉज़ ये कोरल शेड बहुत ही शिमरी है, सो आई वॉन्ट अ सटल ग्लो ऑन माई चीक्स, दैट्स वाई आई एम यूजिंग द लाइट ब्राउन मैट शेड ऑल्सो, एंड फॉर द हाईलाइट आई यूज दिस गोल्ड शेड। सेम ब्रश से आई विल हाईलाइट द ब्रिज ऑफ द नोज ऑल्सो, बस आपको ब्रश को थोड़ा सा पिंच करना है एंड हाईलाइट द नोज, थोड़ा सा chin, blend it out and cupid's bow. Then I'll take a छोटा सा डिटेलर ब्रश, उस पर सेम हाईलाइटर शेड को लेके आई विल हाईलाइट द इनर कॉर्नर एंड सेम ब्रश से आई विल हाईलाइट द ब्रा बोन ऑल्सो। फॉर लिपस्टिक आई विल यूज एले गर्ल मैट फ्लैट पिगमेंट ग्लॉस इन द शेड सीक्रेट। नाउ मोस्टली स्मोकी आइज के साथ मैं न्यूट्रल कलर्स ही यूज़ करती हूँ, बट आई थॉट लेट मी गेट आउट ऑफ माई कम्फर्ट जोन एंड यूज़ अ डार्क शेड। सो दिस लिक्विड लिपस्टिक इज़ वेरी वेरी ड्राइंग, सो मैं सजेस्ट करूँगी आप अच्छे से एक लिप बाम का कोट लगाइए एंड देन यूज़ दिस। सो आफ्टर द लिपस्टिक लेट्स मूव ऑन टू आर आउटफिट। हम नॉर्मल साड़ी तो हमेशा पहनते हैं, अब हम सेम साड़ी को नया लुक भी दे सकते हैं। यू कैन वेयर अ टी शर्ट इंस्टेड ऑफ अ ब्लाउज, और स्लीव्स को भी रोल कर देना है। पल्लू को नॉर्मली प्लीट्स करके उसको सामने से लेकर रैप कर देना है। और एक बेल्ट वेस्ट पे टाई कर देना है। सो फॉर ज्वेलरी आई कीप एवरीथिंग सिल्वर बिकॉज मेरा साड़ी ग्रे है। सो आई एम वेयरिंग दिस ब्लैक एंड सिल्वर नेकलेस विथ सम सिल्वर इयर रिंग्स। मेक श्योर कि आप जब भी सिल्वर इयर रिंग्स पहनते हो और उसके साथ अगर आपके दूसरे भी पियर्सिंग्स हैं तो वो छोटे वाले इयर रिंग्स भी सिल्वर हों। सो आई एम गोना वेयर स्मॉल डायमंड्स हियर, छोटा सा पर्ल इयर रिंग, और ऑल्सो सारे ज्वेलरी के साथ आपके बैंगल्स और रिंग एक्सेसरीज भी सिल्वर हो। सो आई एम गोना वेयर दिस सिल्वर 4 सिल्वर बैंगल्स एंड 1 रिंग ऑन द अदर फिंगर एंड लेट्स कंप्लीट दिस लुक विद अ स्मॉल ब्लैक बिंदी। एंड ऑल्सो अगर आपके कोई पिंपल्स हो या कोई स्पॉट्स हो उसको आप हाईलाइट कर सकते हैं एंड मेक इट एज अ ब्यूटी स्पॉट विद अ डार्क ब्राउन आई शेडो एंड अ स्मॉल लिटिल डिटेलर ब्रश। तो आई ऑलरेडी हैव अ ब्यूटी स्पॉट हियर, तो उसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर दूँगी। फॉर माई हेयर आई कीप इट वेरी स्लीक एंड सिंपल, तो मैं ऐसे ही छोटा सा पोनी टेल रखूँगी। आप चाहे तो एक स्लीक बन बना सकते हैं और यू कैन कीप योर हेयर लूज़।